तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा है सिक्स्थ डे ऑफ जर्नी एंड हम अभी लेह में हैं। कल हम गए थे पैंगोंग लेक, और पैंगोंग लेक में हमने जो भी इन्जॉयमेंट किया, वापस आए लगभग 5-6 घंटे लगे थे हमको, और लगभग 10 बजे 10:30 बजे तक हम पहुंच पाए थे वापस यहाँ पर, वहाँ से 5:30 बजे निकल कर। अब सीन ये है कि पैंगोंग लेक का पूरा रास्ता लेह से बिल्कुल बढ़िया पक्का बना हुआ है। केवल 2 किलोमीटर का जो पैच आएगा वो एकदम आपका रफ रोड टाइप का है, वो आप मतलब इग्नोरेबल है, इतना नहीं है। तो वो पैंगोंग लेक तक का रास्ता बहुत बढ़िया है, और हम गए थे चांगला की साइड से। ठीक है, चांगला बीच में पड़ेगा, और हाँ केला वाला साइड आई डोंट नो अबाउट दैट, केला वाला साइड कितना पक्का है कैसा है, बट चांगला वाला रूट बहुत बढ़िया बना हुआ है, एकदम हाईवे टाइप बना हुआ है, 4 लेन हाईवे जैसे होते हैं इस तरह से बनाया हुआ है। अब हमारी पैकिंग शैकिंग हो गई है, आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे, पहले हम लेह का लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं आज, एंड उसके बाद में हम पहुँचने वाले हैं आज हानले के लिए। नाइट स्टे हानले में ही करेंगे, उसके बाद का देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि 23rd को हमें किसी भी कंडीशन में दिल्ली पहुँचना है। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं इस वक्त शांति स्तूपा, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है, और इधर मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, उधर पहाड़ों पर खाडूंगला साइड या फिर चांगला साइड जो भी है वहाँ पे अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा होगा, जो कंडीशन लग रही है। रास्ते में हम आ रहे थे तो फेस पे भी कुछ फील हो रहा था, जैसे कुछ पड़ रहा है गीला गीला टाइप का, और कुछ उड़ भी रहा था, बट स्नो अगर होती ना वो उड़ती नहीं, वो उड़कर ना ज़मीन पे गिरती, बट वो नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रही थी, कुछ वाइट वाइट समथिंग। चलिए, तो ये है इसका द्वार एंट्रेंस, एंड फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा और देखते हैं क्या है देखने के लिए। तो ये है शांति स्तूपा के बारे में। तो अभी हमने ये एंट्री टोकन ले लिया है शांति स्तूपा का, 30 रुपीज़ ईच। हम दो लोग हैं, पवन जी ने हमें ज्वाइन नहीं किया, पवन जी निकल चुके हैं, एंड देखिए इज इट अ म्यूजियम और समथिंग। सिटी आप देख पाएंगे, स्तूपा इतनी हाइट पर होता है, सिटी का हर घर उस स्तूपा को देख पाता है। और यहाँ से हम जाएंगे बुद्धा स्टैचू द गोम्पा। तो गाइस अभी हमको जाना है गोम्पा, और सामने बुद्धा प्रतिमा आप देख रहे हैं ना, ये गाइस क्रिस्पी चिली पोटैटो इन माउंटेन्स स्तूपा में, एंड वी आर एंजॉइंग आवर क्रिस्पी चिली पोटैटो। गाइस पहुंच चुके हम गोम्पा पे भी, और ये है वो बुद्धा स्टैचू जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पेंट वगैरह का काम चल रहा है, और ये खड़ी अपनी सारथी। ठीक है,
हम पहुंच चुके हैं अभी अपने होटल रूम पर आफ्टर हैविंग सम साइट सीइंग, लोकल साइट सीइंग, जिसमें हमने गोम्पा देख लिया है और एक हमारा शांति स्तूपा पूरा हो चुका है। और अब टाइम हो रहा है 3, दोपहर के 3 बज रहे हैं। पहुंचना है हमको यहाँ से हानले, बताया 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता है, लगभग 250 किलोमीटर यहाँ से है। रेस्ट डिपेंड्स कि हमारी स्पीड क्या रहती है, रोड कंडीशंस कैसी हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम टाइम 5 घंटे का मान के चल रहे हैं फिलहाल। 3 बजे से निकलने का मतलब है हम पहुंचेंगे 8 बजे का टाइम, ठीक है। अब 8 बजे का टाइम हम नहीं मान रहे हैं, हम 9 बजे मान रहे हैं। और वहाँ पर जाके अभी हमें रूम भी सर्च करना है, और रूम सर्च करने के बाद हम बताते हैं आपसे, और बताते हैं रूम किस टाइप का है, क्या उसका बजट है, और क्या क्या वहाँ पर सुविधाएँ फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई हैं। और सामान सारा लग चुका है, इस तरीके से हमने पूरा लोड कर दिया है इसको। ये है जी ले पैलेस, जिसको हम बहुत ही दूर से लाइट से देख रहे थे, एंड अभी हम इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। नीचे ये रोड जा रहा है और ऊपर ये ट्रैक जा रहा है, ऊपर तक व्हीकल नहीं जाएगा बट पैदल पैदल जाना पड़ेगा। तो ये ही है जी ले पैलेस, अंदर नहीं जा रहे हैं बट बार बार से आपको दिखा रहे हैं ये। तो हेलो गाइस, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं शौर्य कैफ़े, जो कि हानले के रास्ते में हमें मिला। यहाँ पे हम समोसा खा लिया है, चाय भी पी रहे हैं, और अभी हमारा डोसा आने वाला है। तो ये आर्मी कैंटीन समझ सकते हो आप। बस फाइनल डन ख़त्म। ओके गाइज, आफ्टर हैविंग सम स्नैक्स इन शौर्य कैफे जो आप सामने देख रहे हो, हम अपना आगे का जर्नी पूरा शुरू करने वाले हैं। अभी 200 किलोमीटर और जाना है, रोड बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये है, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा। सर्चो सोमोरीरी 173। ओके, यहां से है। तो ये जो अभी तिराहा आपने देखा, इस तिराहे से चंडीगढ़ और मनाली रोड कट जाता है राइट साइड, और हम आ गए हैं लेफ्ट साइड सोमोरीरी की तरफ और हानले की तरफ जाने के लिए। थोड़ी बहुत देर में थोड़ा सा दिन छुपने लगेगा, अंधेरा सा होने लगेगा, एंड वी विल बी इन आर फॉगी मोड। फॉग लाइट्स जला चुके होंगे हम। रोड अगर ऐसा ही है तो बहुत ही मज़ेदार सीन हो जाएगा। 9:30 का एस्टिमेटेड टाइम है हमारा, रेस्ट डिपेंड्स। अब कहीं वैसे रुकने का वो तो है नहीं औचित्य, खाना वाना खा लिया है, अब बस रूम पर पहुंचकर, होटल में पहुंचकर थोड़ा फ्रेशन अप होकर उसके बाद सोएंगे, और फिर कल सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पहाड़ों पर दिन जल्दी छुप जाता है, बट अभी तक 5:30 बज रहे हैं, जैसे उस हिसाब से तो अभी पता नहीं यार इतना क्यों वो हो रहा है। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट नज़ारे, नज़ारे ऐसे दिख रहे हैं यार, एक मिनट के लिए भी कैमरा बंद करने का मन नहीं हो रहा। तो गाइस, इसे कहते हैं लैंड ऑफ मून। पहाड़ों का स्टाइल देखिए, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, रोड बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, अलग ही टाइप के पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल लैंड ऑफ मून लग रहा है। ये देखिए नज़ारे यार, पहाड़ों के स्ट्रक्चर ही अलग है यहाँ तो, डिफरेंट, ऐसा तो स्थिति में भी नहीं देखा हमने यार। नज़ारे ही नज़ारे, इंडिया इज इनक्रेडिबल यार, वी आर लिविंग इन इनक्रेडिबल इंडिया, मज़ा ही आ गया।
और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पर बाइक से हम यहाँ पर आए हुए हैं और वी आर राइडिंग बाइक्स। ओ माय गॉड, ये तो स्लाइडिंग वाले हैं, मतलब पत्थर कभी भी निकल सकता है। एंड ओ माय गॉड, इस तरह के पहाड़, ओह माय गुडनेस। और ये हमें ड्रोन में दिखता है, मजा। ओ गॉड, शिट शिट शिट, अभी मैं कैमरा बंद करने वाला था बट मैंने ये जो पहाड़ देखा मन ही नहीं किया। अरे वाह, क्या बात है, प्रोजेक्ट हिमांक और इनका ये ब्रिज, कीप सेफ डिस्टेंस, थैंक यू। और ये देखिए यहाँ पर नदी का पानी, धूप पड़ रही है तो टर्किश दिख रहा है, अदरवाइज इट इज स्टील कलर, डार्क ग्रीन बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा। ब्रिज तो आया था बट उस ब्रिज पे हमें जाना नहीं है, ये आ गया जगह तारचिड़, और अभी आने वाला है हिमिया। पेड़ यहाँ के एकदम सीधे स्ट्रेट, दिल्ली से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर मेनली कैंपिंग करने के लिए, बट कई बार क्या होता है ना, कैंपिंग की जो सिचुएशन होती है वो हार्श हो जाती है कि यहाँ पे तेज़ हवाएं या फिर कभी बारिश या फिर हो सकती है स्नोफॉल। यहाँ के पहाड़ों के डिज़ाइन अलग है, यहाँ के पहाड़ों के डिज़ाइन अलग है, ऐसा कैसे हो गया, मज़ेदार यार। यही है कुदरत का चमत्कार, ये कोई इंसानी बनाई हुई चीज़ नहीं है कि एक कमरे में अलग टाइप की टाइल्स लगा दी, दूसरे कमरे में अलग टाइप की टाइल्स लगा दी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। कुछ लिख रहा है, रानी बाग 11160 के ऑल्टीट्यूड पर है ये, वाव। ओहो, ब्रिज पे चलने की आवाजें क्या थी, भाई रोड की कंडीशन बदल चुकी है और रिवर अब हमारे लेफ्ट साइड आ चुकी है, कलर वही सेम, ऊपर थोड़ा सनलाइट पड़ रहा है तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, पहाड़ों के कलर के हिसाब से ये नजर आ रहे हैं अब। तो गाइज हम अभी ना रोड से उतर के ना यहाँ आ गए रिवर साइड पे, ये बोतल भर के रख लिया जाए, पीने का तो नहीं बट इनकेस इमरजेंसी काम आ सकती है। पानी तो कभी ठंडा है भाई, ये देखिए, ओहो, सड़कें, पहाड़ों की सड़कें, और ये ब्रिजेस, मजा ही डाल देते हैं यार, सफर का आनंद ही है, कुछ और है। ये जो पूरा पहाड़ का कलर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी यहीं से जाती हो। इस पर से तो भाई सीधी ही निकालनी पड़ती है ब्रो, माइलस्टोन तो नहीं आया बट एक ब्रिज जरूर आ गया है। यहाँ पे ब्लू ब्लू ब्रिजेस मिलते हैं ऐसे वाले, जय भोलेनाथ,
है ना। ओहो उछल उछल के चलना पड़ रहा है भैया, गजब ही रोड है। आई लव कियारी। गाइस आप देख रहे हो यहाँ के जो पहाड़ हैं उनके कलर, इधर देखो ये है पर्पल कलर का, ये है आपका अलग कलर, डिफरेंट कलर हो गया। और फिर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर डिफरेंट कलर हो गया। और ये जो पूरा पहाड़ मैं देख रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चर इस पहाड़ का। और यहाँ पर खड़ी है हमारी ये महारानी, आप फुल्लू महारानी बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो अपना सारथी। तो सी द क्लाउड्स, सी द कलर ऑफ स्काई एंड सी द कलर ऑफ माउंटेन्स, मज़ा ही आ गया भाई। देखो भाई फिर कलर ऑफ माउंटेन चेंज्ड एंड द डिज़ाइंस, एक ही साथ में दो टाइप ऑफ माउंटेन्स यहाँ पर हैं, पर्पल कलर एंड द सैंडी कलर। माय गॉड ये देखो भैया मून लैंड आ गया है, ये मून देखो कितना प्यारा बड़ा लग रहा है। भैया सही जगह आए हैं भाई, सही जगह आए हैं। अब देखो भाई अब देखना देखना देखना, ओ हो मजेदार जी मजेदार। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो हम खड़े हुए हैं इस वक्त जहां पर वहां की वादियां देखिए, और ये देखिए कि किस तरीके से सामने की तरफ मून नजर आ रहा है। प्यारा लग रहा है डिजाइन, रोड ऐसा ही है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, कलर पहाड़ों के, स्काई का, वाटर का और अदर्स देन सामने की जितनी पहाड़ आपको देख पा रहे हो उन सभी पहाड़ों का जो कलर है एक्चुअल है। तो जी ये है नजारे हानले के रास्ते के। ये देखो भाई सामने वाले ये वाले पहाड़ एकदम सड़कते हुए से हैं, बिल्कुल स्लीक कलर, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट डिफरेंट जस्ट लाइक मार्बल एंड मकराना यू हैव इन योर हाउस, डिफरेंट शेड्स ये दे हैव, वैसा ही कलर यहाँ के माउंटेन्स का आपको फील हो रहा होगा। बहुत ही प्यारे शेड्स यार, इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, दीज आर लुकिंग सो ग्रेट सो ऑसम। सामने मून का जो आपको नज़र आ रहा है ना, आपको आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा, बट सामने जो मून है ना ये बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा है, नॉर्मली इतना बड़ा नज़र नहीं आता है, हम इसे बहुत ज़्यादा करीब हैं। जैसा हमें सुपर मून मोबाइल का कैमरा का जो सुपर मून फीचर है जैसा हमें वो दिखाता है ना, बिल्कुल सेम जैसा मून नजर आ रहा है क्लियर, एंड जो स्पॉट्स है उसके बिल्कुल सेम वैसा ही नजर आ रहा है। शायद इसीलिए इसको मून लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक तो कॉन्स्टेलेशन बहुत प्रॉपरली दिखता है एंड साथ ही साथ यहाँ से मून बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। सी वो घर है या मोनेस्ट्री है पता नहीं, बट इट इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड ग्रेट। ये आ गया नरनीश सेतु, सेतु यानी कि पुल, ब्रिजेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर इस वाले रूट पर, अभी तक नहीं देखे थे हमने इतने इस ट्रिप में, बट इस रूट पर हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं। ओ बड़ी बिल्कुल यू टर्न हो गया, तो भैया वाह यार वाह, अलग ही अंदाज है चांद का।
ये अलग टाइप के आर्मी के ट्रक्स है। तो ये तो बोट लग रही है। यहाँ पे ब्लाइंड करवा चुका है, नॉट एबल टू सी इज देयर एनी वन इन वे। ओके नाउ वी कैन गो अहेड। अब ये देखो ये ग्रीन टाइप के पहाड़ हैं, दोबारा दिखाएंगे। ये ट्रक इतना बड़ा था, ये एक बार में है ना टर्न नहीं ले पाया, जैसे हमारी बाइक होती है ना इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम होता है, वैसे ही हमारा भी टर्निंग रेडियस कम हो गया, इसका भी कम हो गया। सामने चंदा मामा आ चुके हैं, सूरज चाचू जा चुके हैं। हाइट बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सामने छोटी सी चोटी आपको नजर आ रही होगी पहाड़ों वाली, बर्फ वाली। एंड अभी देखते हैं कितनी हाइट और जानी है हमें और कितने किलोमीटर और जाना है हमें। लगभग 100 किलोमीटर मान के चल रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, देखो यह है ओपन फील्ड एरिया, देखो ये 360। गाइस इस वक्त हम अभी न्योमा 20 किलोमीटर रह गया है, वहां पे पहुंचने वाले हैं। सामने आपको दिख रही है खुली ओपन सड़क और उसके साथ साथ आपको दिख रही है यहाँ पे नो मेंस लैंड, माउंटेन्स कवर्ड विद मिट्टी सैंड एंड आल्सो हियर सैंड। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं एंड यहाँ पर स्काई का कलर देखिए। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड मजा आ रहा है। आज की रात होना है क्या, आना है क्या, खोना है क्या। हेलो बॉयज, गॉट द नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड, फ्लैट फ्लैट सब सरफेस है, ऊपर चांद बाबा दिख गए हैं। फोटो तो बनता है यार। हल्की हल्की सी ठंड सी लगने तो लगी है। लोमा के चेक पोस्ट से एंट्री करवा दी है, ठीक है, लोमा का चेक पोस्ट है ये। एंड रोड का बताया, बढ़िया रोड बना हुआ है, लेट्स सी कितना बढ़िया है। अभी आगे शायद हमें पक्का रोड मिल जाएगा। अभी किलोमीटर देखने को मिल जाए एक बार तो पता लग जाएगा हम कितने दिन में पहुंचा देंगे। प्लस वहां पे पहुंचने के बाद में हमें स्टे करने के लिए जगह मिल जाए,
तो है कुछ बात कि हाँ भाई हान ले आना सफल हुआ, नहीं तो न्यू में रुकना सफलतापूर्वक सही रहता था डिसीजन। थोड़ा सा सुस्ताने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है जब आप अर्ली रेस्ट के लिए रुक जाते हो। हम लोग इस वक्त बिल्कुल रिमोट प्लेस पे चल रहे हैं, दोनों तरफ मिट्टी के पठार बने हुए हैं, सामने अगर थोड़ा बहुत भी विजिबिलिटी बन रही हो तो सामने की तरफ पहाड़ हैं, और मतलब अकेले अगर कोई बंदा आएगा तो उसको है ना थोड़ा डर तो लगना चाहिए। किसी का बैग गिरा हुआ है, हाँ रख लो, आईडी आईडी मिलेगी तो घूम लेंगे, है ना। बंजी कॉर्ड एक एक्स्ट्रा है ना, उसी से बांध लेता हूँ, रुको थोड़ा वेट करो साइड में। किसी का ये बैग मिला है कब पड़ा हुआ, उसकी व्यवस्था कर देते हैं जरा। मिट्टी में से निकालना था, मिट्टी में से बस देखो भैया हमें यहाँ पे मिला है एक ऑरेंज कलर के कवर में ब्लू कलर का स्काई बैग्स का बैग है, ठीक है। अभी हम उसमें कांटेक्ट करेंगे, इन केस अगर कोई आई कार्ड मिलता है तो कांटेक्ट किया जाएगा उस बंदे से जिस किसी का भी ये है। हाल ही ज़्यादा दूर नहीं रह गया, बस 10 मिनट का रास्ता रह गया होगा हार्डली। 9:11 हो चुके हैं, हमारा जो टारगेट था 9:08 वाला वो पार हो चुका है, और हम 9:20 तक पहुंच जाएंगे। हाल ही रह गया है अब 12 किलोमीटर और हो रहा है 9:11, 9:30। बस यार रूम मिल जाए। तो गाइस बहुत बढ़िया बात हो गई है, अभी जो हम कह रहे थे ना कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, अभी आगे जो तीसरी बैग चल रही है ना वेस्ट बंगाल के हैं ये, और इनका बैग हमें मिला था और हमने इनको प्रोवाइड कर दिया है इनकी अमानत इनके हाथ में। नाउ दे आर हेल्पिंग सम हाउ इन गेटिंग रूम फॉर अस। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस वक्त हानले, और मेरे आसपास के ये नज़ारे आप देख रहे होंगे, और हमको रूम मिल गया है, लद्दाखी रूम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ रूम का हिसाब, मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी में रूम मिलेगा, रूम में है। और इसमें जो वॉशरूम है ना वो लद्दाखी स्टाइल वॉशरूम है, जिसमें नॉर्मली आप एक रूम में जाते हो और वहाँ पर एक होल होता है सिर्फ, और वो होल के अंदर ही आपको जो भी करना है करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये भी कहा है कि लाइट चली जाती है यहाँ पर 11 बजे गवर्नमेंट की तरफ से लाइट्स क्लोज कर दी जाती हैं। एंड अब हम आपको दिखाते हैं रूम का ओवरव्यू, अंदर जा रहे हैं हम उस वाली बिल्डिंग में जो अभी दिखाई थी आपको। एंड ये यहाँ पर थोड़ा सा पड़ा हुआ है सामान इन लोग का बनाने करने का, एंड ये है यहाँ का रूम, बाहर पर्दा डला हुआ है। ये बाथरूम है, अभी बाद में दिखा दूँ। सी ये है जी यहाँ का रूम, बेड्स 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हम सोने वाले हैं आज की रात। अभी थोड़ी देर में ना यहाँ की लाइट चली जाएगी, तब तक हमने यहाँ पे सब कुछ चार्जिंग पे लगा दिया है, मोबाइल अभी लगा देंगे। और दिखाते हैं आपको किचन, ये जी इनका किचन,
यहाँ पे खाएंगे हम खाना। खाना आ चुका है, देखिए ये है चावल, ये है दाल, सब्जी गोभी, आलू, मटर और ये आ गई रोटियाँ। अब खाएंगे भरपूर बैठ के खाना। ये है यहाँ का चिमनी, कुछ भी डाल के यहाँ पे आग लगाओ और हाथ सेको।